क्वेश्चन के ही माध्यम से हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जब क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, और फार्मूला याद करके आप क्वेश्चन को सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फार्मूला के साथ साथ आप एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसके कंसेप्ट को भी देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीका का क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, x²-3x+1=0, तो x²+1/x²=what? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो x²+1/x² का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं। जब हम x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा x, या तो आप पहले क्या करिए, x²-3x+1=0 है, जो भी x वाला टर्म होगा, सिर्फ x यानी जिस जिसके पावर में 1 होगा उसको आप इस साइड ले आइए, यानी x²+1=3x, और आप क्या करिए, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x²+1/x=3x/x, ये कैंसिल, ये x+1/x कितना आएगा, 3। ठीक है, अब अगर x+1/x=3 है तो क्वेश्चन कह रहा है x²+1/x² क्या होगा, तो आप कंसेप्ट जानते हैं कि x+1/x अगर k हो तो x+1/x² इसका स्क्वायर अब -2 करते हैं, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, इसके वैल्यू निकालने के लिए 3 का स्क्वायर अब -2, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x²-4x+1=2 कितना है, 0, तो x²+1/x²=what? ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो जिसके पावर में 1 है उसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 4x, और दोनों तरफ x से डिवाइड करिए तो ये कितना होगा, x²+1/x=4x/x, ये x x कैंसिल तो बचेगा x+1/x=xx कैंसिल (4). अब एक कंसेप्ट हम जानते हैं, यदि x+1/x कितना होगा k, और पूछा जाएगा x²+1/x² का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, k²-2, तो k²-2 लिखेंगे, तो हम चूंकि जानते हैं k² का वैल्यू करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी k का वैल्यू यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16-2, यानी कितना हो जाएगा, 14। आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसी पे बेस 2 क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन का आंसर बना के कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको समझ में आया तो। x²-8x+1=0, तो x²+1/x² = what? और दूसरा क्वेश्चन है, 2x²-8x+2=0, तो x²+1/x² = what? यानी अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे,
ठीक है, धन्यवाद।